गुड मॉर्निंग स्वागत है बच्चों सभी का डी एस एल क्लासेज जिन पर तो ई वी एस की एक क्लास होगी कल जो क्लास हुई थी प्यारे बच्चों उसमें हमने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के ऊपर बात की थी और वहाँ से क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार एक बहुत सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है जहाँ से भी जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है जिसका नाम है सोलर सिस्टम तो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे हम सोलर सिस्टम को ठीक है तो जल्दी जल्दी सारे जुड़ जाओ क्लास को करते हैं शुरू हर हर महादेव गुड मॉर्निंग वंदे मातरम सभी का स्वागत है बच्चों बहुत बहुत तो देखो बच्चों सोलर सिस्टम हम पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं बच्चों क्लास को ठीक है तो समझना ना तुम तो सबसे पहले समझो भाई सोलर सिस्टम है क्या ठीक है सोलर सिस्टम क्या होता है ये बात समझना सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है बच्चों जो हमारा सूरज है सन इसके साथ में प्लेनेट प्लेनेट का मतलब ग्रह है, ठीक है सूरज ग्रह साथ में उपग्रह उपग्रह यानी सैटेलाइट और साथ में बाकी चीज़ें जैसे उल्का पिंड और धूमकेतु एस्ट्रॉयड जिसे तुम कहते हो ठीक है शुद्र ग्रह शुद्र ग्रह शुद्र ग्रह इन सभी को मिलाकर हम सोलर सिस्टम कहते हैं यानी सूरज सूरज उसके ग्रह उपग्रह और शुद्र ग्रह सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों सोलर सिस्टम कहते हैं ठीक है और आप सभी को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के मध्य में क्या है बच्चों सूरज है और बाकी सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो आप सभी को पता है हमारे पास क्या है बच्चों आठ ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ क्या करेंगे चक्कर चक्कर लगाएंगे तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम बात करेंगे बात है समझना अगर आप बात करना चाहते हो तो देखो एक लाइन है इससे आप सूरज की दूरी के हिसाब से इन ग्रहों के नाम याद कर सकते हो तो लाइन है बच्चों मैरी मैरी एक लड़की का नाम है ठीक है कुछ भी तुम याद कर सकते हो वैसे तो मेरे ख्याल से सभी को ये पैटर्न याद ही होगा मैरी वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स ये लाइन आपको याद रखोगे तो ये सूरज से दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम आपके याद हो जाएंगे बच्चों तो सूरज के दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले एम फॉर मरकरी है सबसे पहला ग्रह आपका मरकरी है दूसरा है बच्चों वीनस वी फॉर वीनस है ई e फॉर आपका है बच्चों क्या अर्थ है एम फॉर क्या है बच्चों मार्स है जे फॉर जुपिटर एस फॉर सेटरन यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून ठीक है हिंदी में आप अगर इनके नाम लिखना चाहो तो हिंदी में इनके नाम क्या है बच्चों मरकरी को क्या कहते हैं बच्चों बुद्ध कहा जाता है इस ग्रह को हिंदी में अगर मैं नाम लिख दूँ इनके ठीक है तो मरकरी को आप कहते हो बच्चों बुध, उसको कह... उसके बाद है बच्चों शुक्र ग्रह उसके बाद पृथ्वी है उसके बाद मार्स को क्या कहते हो बच्चों मंगल जुपिटर बृहस्पति जिसे कहते हो सबसे बड़ा ग्रह है ये हमारा बृहस्पति ठीक है, है उसके बाद शनि है शनि शनि ग्रह है उसके बाद अरुण वरुण यूरेनस नेपच्यून भी याद रख सकते हैं और अरुण वरुण भी इन्हें कहते हैं भाई अरुण और वरुण तो ये आठ ग्रह हैं सूरज के दूरी के हिसाब से सबसे करीब है सूरज के मर्क्यूरी फिर है वीनस फिर है अर्थ फिर है मार्स फिर है जुपिटर फिर है सैटर्न फिर है यूरेनस और फिर है नेपच्यून ठीक है इतनी बार ठीक है तो ये है बच्चों प्लेनेट हमारे सूरज से दूरी के हिसाब से कौन से की पोजीशन कौन से पे है तो एक एक करके हम इनके ऊपर बात करेंगे उसके बाद बच्चों जो ये पहले चार प्लेनेट है कौन कौन से बच्चों शुक्र हमारे पास बुद्ध शुक्र पृथ्वी और मंगल इन्हें सॉलिड प्लेनेट कहते हैं ठोस प्लेनेट कहते हैं ठीक है और जो लास्ट के चार हैं आपके कौन कौन से बच्चों जुपिटर सैटरन यूरेनस और नेपच्यून ये गैसों के बादल हैं तो इन्हें गैसियस प्लेनेट कहते हैं बच्चों ठीक है तो पहले चार आपके सॉलिड प्लेनेट हैं और लास्ट के चार आपके क्या हैं बच्चों आपके गैसियस प्लेनेट ये तो ठोस ग्रह हैं बच्चों ठीक है और ये लास्ट वाले आपके गैसियस प्लेनेट कहते हैं क्योंकि गैसों के बने हुए हैं गैसों के ये बादल हैं उसके बाद अगर आगे चले हम बच्चों सबसे पहले जो ग्रह है हमारे पास इसका नाम है बच्चों मर्क्यूरी जिसे आप क्या कहते हो बच्चों बुध ग्रह जिसे आप कहते हो ठीक है तो सबसे पहले बुध ग्रह है उसके बाद क्या है बच्चों कुछ बातें याद रखना इस ग्रह के बारे में

ऐट प्रजेंट जो चल रही है पहले उस पर फोकस करो क्लासेस सारी होंगी आप टेंशन मत लो ठीक है अब देखो बच्चों क्या होगा आ, सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है बच्चों अट्ठासी दिन में और अपनी कक्षा यानी जैसे अपनी कक्षा के चारों तरफ जो ये घूमता है तो अपने अक्ष के चारों तरफ अट्ठावन दिन और पंद्रह घंटे में एक चक्कर लगा लेता है अट्ठावन दिन पंद्रह घंटे का मतलब यहाँ पे अट्ठावन दिन और पंद्रह घंटे का एक दिन होता है किसके अंदर बच्चों मरक्यू ग्रह के अंदर बच्चों ठीक है उसके बाद है बच्चों इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है पृथ्वी के जो सूरज के जो सबसे करीब हैं जो बच्चों जो ग्रह उनका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है एक भी इसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जीरो इसके प्राकृतिक उपग्रह है ठीक है इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मॉर्निंग और, और, और इवनिंग स्टार ठीक है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से इसे जाना जाता है तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इंपॉर्टेंट ठीक है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से इस ग्रह को जाना जाता है यह बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी इसे जाता जाना जाता है क्योंकि सुबह और शाम के समय आपको सर्दियों में आकाश में ये दिखाई देगा आपको लगे ठीक है तो बहुत सारे प्लैनिट हैं इनमें से जो हमारे आठ प्लैनिट हैं इनमें से कुछ हम नंगी आँखों से देख सकते हैं आकाश के ऊपर तो सर्दियों में सुबह और शाम के समय जब आकाश साफ होता है सर्दियों में ही ज़्यादातर आपको प्लानट दिखाई देते हैं क्योंकि सर्दियों में बादल नहीं होते आकाश में तो मॉर्निंग और इवनिंग के समय आपको ये दिखाई देगा आकाश में नंगी आँखों से इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं ठीक है उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बात याद रखना यहाँ पे जो ये जो गल, आ, हमारे पास ग्रह है बुध ग्रह है इसकी जो सतह है बच्चों इसके इसकी सतह पर एक घाटी पाई जाती है जिसे हम कैलोरिस कहते हैं भाई कैलोरिस नामक घाटी है घाटी समझते हो ना घाटी है इसके सतह के ऊपर बुध ग्रह की सतह के ऊपर कै आ, कैलोरिस नामक घाटी है जिसका जो लगभग पंद्रह तेरह सौ किलोमीटर की व्यास की है बच्चों यानी इसकी जो ये व्यास है जैसे ये घाटी है मान लो ऐसे ये घाटी हो गई हमारी घाटी जो हो गई ठीक है ये घाटी हो गई और इसका जो व्यास है लगभग तेरह सौ किलोमीटर है तेरह सौ किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है तेरह सौ किलोमीटर बच्चों तो कैरोलिस नामक घाटी भी इस ग्रह की सतह के ऊपर पाई जाती है ग्रह का नाम है बुध ग्रह बच्चों तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में के बारे में, सबसे उसमें टाइम लगेंगे अट्ठावन दिन और पंद्रह घंटे बच्चों हाँ सबसे छोटा ग्रह है ये और सूर्य के सबसे नजदीक है बच्चों ठीक है इसे क्या कहते हैं बच्चों मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसे कहा जाता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ठीक है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है और कैरोल कैरोलिस नामक जो घाटी है बच्चों वो इसी ग्रह की सतह पर पाई जाती है दूसरा ग्रह है बच्चों जैसे हम वीनस ग्रह कहते हैं और नाम है इसका शुक्र ग्रह भाई तो सेकंड जो प्लेनेट है बच्चों शुक्र ग्रह है इसका नाम है और कल भी हमने शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा की थी अब इसकी क्या विशेषता है बच्चों बात समझना सबसे गर्म ग्रह है सबसे गर्म ग्रह है और इसके वायुमंडल में लगभग छियानवे परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों तो हमने बात की थी भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये गर्म है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है तो जब हम पहले लेक्चर में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे थे तब भी हमने इस ग्रह के बारे में बात की थी तो सबसे गर्म ग्रह है सूरज से दूसरे नंबर पर है लेकिन सबसे गर्म ये है भाई ठीक है होना कौन सा चाहिए पहले वाला ये क्यों है सबसे गर्म क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अधिकता के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है बच्चों तो सबसे गर्म ग्रह है ये उसके बाद बच्चों सबसे चमकीला ग्रह है बच्चों सबसे चमकीला ग्रह तो सबसे चमकीला ग्रह भी आपका कौन सा है बच्चों शुक्र ग्रह है उसके बाद है पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो आंसर आएगा बच्चों वीनस ठीक है और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है क्योंकि ये आकार और साइज में लगभग पृथ्वी जितना ही है ठीक है लगभग पृथ्वी से इसकी डायमेंशन मिलती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है तो पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसी ग्रह को जाना जाता है ठीक है परिक्रमणकार इसका 225 दिन है 225 दिन में सूरज का एक चक्कर ये काट लेता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है सारे जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं पश्चिम से पूर्व लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है तो दो प्लेनेट ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमता है आज्ञा से दूसरा पीछे से दूसरा आगे से दूसरा कौन सा है बच्चों एक तो है वीनस आगे से दूसरा है ना इसको ऐसे याद रखना आगे से दूसरा है ये और पीछे से दूसरा कौन सा है बच्चों अरुण ठीक है यूरेनस कहते हैं इसको यूरेनस ठीक है यूरेनस तो अरुण और विनस ये दो ऐसे प्लेनेट हैं बच्चों जो क्या करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं सूर्य भी हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है सूर्य भी बच्चों याद रखना सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है सूर्य भी घूमता है बच्चों सूर्य आकाश गंगा जो है हमारी मिल्की वे इसके चारों तरफ चक्कर लगाता और है और सूर्य की डायरेक्शन भी पूर्व से पश्चिम है बच्चों सूर्य की डायरेक्शन भी पूर्व से पश्चिम है सूरज भी क्या करता है आकाश के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जब सूरज एक चक्कर लगा लेता है आकाश का उसे कोस्मोसियर कहते हैं बच्चों कोसमोस ईयर उसे कहते हैं कोसमोस ईयर ईयर क्या होता है बच्चों वो समय ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं इसे हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष ब्रह्मांड वर्ष ब्रह्मांड वर्ष वो समय होता है जितने समय में सूरज आकाशगंगा का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो एक तो सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है और ग्रहों में बात करें तो आगे से दूसरा यानी कौन सा ग्रह बच्चों वीनस और पीछे से दूसरा यानी अरुण ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं ठीक है तो जो अलग हैं वो आपको याद रखना है बच्चों उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट बात अगर इसके बाद बात करें तो अपनी अक्ष पर ये दो सौ दिन में एक चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर एक अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ तुम समझना बच्चों जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है ना अपने अक्ष पर समझ रहे हो ना जैसे मान लो जैसे लट्टू घूमता है तो अपने ही अक्ष पर घूमता है एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता है ऐसे भाई तो तब दिन रात बनते हैं बच्चों तब दिन रात बनते हैं दिन रात दिन रात अक्ष पर घूमने की वजह से होता है भाई और परिक्रमण काल से बच्चों ऋतु परिवर्तन होता है यानी सर्दी गर्मी आती है ऋतु परिवर्तन होता है तो तुम यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अगर देख पाओगे तो अपने अक्ष पर ये बहुत स्लो घूमता है दो दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में दो दिन लगते हैं यानी इसका एक साल जो होता है इस ग्रह का विनस का एक साल एक दिन से छोटा होता है एक साल छोटा है एक दिन से एक दिन से तो अगर मैं पूछूँ कौन से ग्रह का दिन उसके साल से छोटा होता है तो आंसर आएगा भाई विनस पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का है एक साल तीन दिन का है यहाँ पे इस ग्रह के ऊपर वीनस ग्रह के ऊपर बच्चों जो है एक दिन तो दो दिन का है और एक साल दो दिन का है तो वीनस एक ऐसा ग्रह है जिसका एक साल एक दिन से छोटा होता है साल छोटा होता है दिन बड़ा होता है यहाँ पे इसका रीजन ये है ये अपने अक्ष पर बहुत ही स्लो घूमता है इसलिए इसका दिन बहुत मतलब एक दिन यहाँ पे दो दिन का एक दिन होगा यहाँ पे तो ये बात भी आप ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये ठीक है उसके बाद है इस ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो कौन से ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं ठीक है और इस ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं ग्रह का नाम है वीनस तो वीनस ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं एक ज्वालामुखी का नाम है मैटमोन्स याद रखना मैटमोन्स 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 एक ज्वालामुखी का नाम है जो आपको वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह की सतह पर मिलेगा और यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी है इसका व्यास लगभग तीन सौ पिचानवे किलोमीटर है तो इस ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी पाया जाते हैं और इस ग्रह का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ठीक है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो क्या है बच्चों मैटमोन्स है तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी इस ग्रह में सारी काम की हैं बच्चों ये ठीक है उसके बाद है वेनेरा एक मार्च उन्नीस जो पहला उपग्रह शुक्र की सतह पर उतरा था भाई तो जो पहला जो उपग्रह उतारा गया था शुक्र की ग्रह पर भी उपग्रह उतारा गया था शुक्र की सतह पर जो उपग्रह उठा उतारा गया था उसका नाम था वेनेरा थ्री ठीक है ये एक्स्ट्रा बात है आप ये आप याद करना चाहते तो कर लेना नहीं तो ठीक है लेकिन एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ये बात ध्यान रखना हाँ एन सी ई आर टी की बुक तो आपको बिल्कुल पढ़नी है बच्चों उससे बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ फोकस करो इस बात पे ठीक है अगर एक बार जरूर रीड जरूर करके जाना क्योंकि एम सी क्यू में अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपको स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में तो वेनेरा तीन पहला सैटेलाइट था जो शुक्र ग्रह के ऊपर उतारा गया था एक मार्च उन्नीस को ठीक है आगे चलो भाई इस ग्रह के बाद आगे हम चलते हैं अगला ग्रह है बच्चों पृथ्वी पृथ्वी के बारे में तो लगभग सभी को पता होना चाहिए ठीक है आगे चलो तो पृथ्वी की जो एवरेज जो रेडियस है बच्चों तिरसठ सौ इकहत्तर किलोमीटर है बच्चों तिरसठ सौ इकहत्तर किलोमीटर इसकी रेडियस है पृथ्वी की लगभग उसके बाद है भूमध्य रेखा पर ध्रुवों पे त्रिज्या अलग अलग है बच्चों भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो तिरसठ किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या तिरसठ किलोमीटर है इसका मतलब ये है बच्चों जो पृथ्वी है भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या ज़्यादा है देखो अगर भूमध्य रेखा के अलोंग अगर मैंने इसकी त्रिज्या निकाली त्रिज्या की बात चल रही है भैया तो तिरसठ अठहत्तर पॉइंट एक आई और पोल के ऊपर जब त्रिज्या निकाली तो पोल के ऊपर कम आई तिरसठ छप्पन पॉइंट आठ आई भाई ठीक है तो पोल पर कम है त्रिज्या थोड़ा सा है तो फर्क थोड़ा सा लेकिन फ़र्क है बच्चों ठीक है कुछ किलोमीटर का है तो तिरसठ सौ में हमारे पास कुछ किलोमीटर इतना मैटर तो नहीं करते लेकिन थोड़ा सा फर्क है ठीक है कितने का फर्क है आप ये देख लो अठहत्तर छप्पन का देख लो आप लगभग आपका ये दो और बाईस कि, बाईस किलोमीटर का लगभग फर्क है बाईस किलोमीटर का फर्क है भाई लगभग आगे देखो भाई ठीक है तो आप ये बात याद रखना कि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज्यादा है और ध्रुवों पर त्रिज्या कम है ठीक है इतनी बात तो आप याद रख पाओगे ठीक है अब यह बात तो सभी को पता है परिक्रमण परिक्रमणकार एग्जैक्ट याद रखना पृथ्वी का तीन सौ पैंसठ दिन पाँच घंटे अड़तालीस मिनट छियालीस सेकंड और अपनी कक्षा पर जो चक्कर लगाता है बच्चों वो है तेईस घंटे छप्पन मिनट चार सेकेंड तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट याद रखनी है ठीक है क्योंकि पृथ्वी के बारे में आपको ये लगभग एग्जैक्ट पूछी जाएगी तो याद रखना बच्चों सूरज के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो तीन सौ पैंसठ दिन पूरे लगते हैं बच्चों पाँच घंटे अड़तालीस मिनट और छियालीस सेकेंड तो लगभग छः घंटे का समय ये हम काउंट नहीं करते इसलिए हर चार साल के बाद हम एक लीप का वर्ष मनाते हैं बच्चों ठीक है एक लीप का एक वर्ष एक एक दिन ऐड कर देते हैं जिसे हम लीप का वर्ष करते हैं जिसमें तीन सौ दिन होते हैं और अपनी कक्षा पर चक्कर लगाने पर तेईस घंटे छप्पन मिनट और चार सेकेंड लगते हैं उसके बाद आगे चलो बच्चों अपनी कक्षा पर पृथ्वी झुकी हुई है कक्षा पर झुकी हुई का मतलब है बिल्कुल सीधी नहीं है पृथ्वी थोड़ा है आपको दिखाई दे रहा होगा ये झुकाव दिखाई दे रहा है थोड़ा सा सड़े तेईस डिग्री अपनी कक्षा पर झुकी हुई तो है मतलब बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है थोड़ी सी टिल्ट है अपनी कक्षा पर झुकी हुई है और कितने डिग्री झुकी हुई है साढ़े तेईस डिग्री तो पृथ्वी का जो एंगल है झुकने का वो साढ़े तेईस डिग्री है बच्चों साढ़े तेईस डिग्री अपनी कक्षा पर झुकाव है किसका पृथ्वी का उसके बाद है कक्ष के साथ कक्ष के साथ साढ़े छियासठ डिग्री का क्या बनता है बच्चों एंगल बनता है कक्ष के साथ साढ़े छियासठ डिग्री का एंगल बनता है ये साढ़े छियासठ डिग्री का मतलब ये है ठीक है देखो क्या होगा इस बात को सिंपल समझना जैसे यहाँ बीचों बीच में एक लाइन खींचूँ ठीक है तो पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है बच्चों साढ़े तेईस डिग्री साढ़े तेईस डिग्री अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है तो अगर मान लो पृथ्वी का जो झुकाव है साढ़े तेईस डिग्री है तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है होगा बच्चों वो साढ़े छियासठ डिग्री का हो जाएगा ठीक है तो जैसे मान लो ऐसे झुका दूँ ठीक है तो एक तरफ अगर साढ़े तेईस का बनेगा तो दूसरी एक्सिस पे कितना बनाएगी बच्चों साढ़े छियासठ डिग्री का एंगल बनाएगी तो ये हमारे पास पृथ्वी के बारे में बातें हैं या आपको सारी बातें ये ध्यान रखनी है बच्चों प्राकृतिक उपग्रह एक ही है पृथ्वी का चंद्रमा है तो पहले जो दो उपग्रह हैं बच्चों कौन कौन से जो सूरज के करीब है बुद्ध और शुक्र उनका एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है सभी को ये बात पता है बच्चों ठीक है उसके बाद है ठीक है तो ये एक्सिस वाली चीज़ आप यहां पर भी देख सकते हो बच्चों ठीक है तो एक तरफ तो एंगल साढ़े तेईस डिग्री का है और एक तरफ साढ़े छियासठ डिग्री का है तो ये झुकाव है पृथ्वी का बच्चों ठीक है तो अगर आप देखोगे कि वाई एक्सिस के साथ तो साढ़े तेईस डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ साढ़े छियासठ डिग्री है तो ये दो अलग अलग एंगल मैंने आपको बता दिया एक एक्स एक्सिस के साथ झुका हुआ है और एक वाई एक्सिस के साथ उसके बाद आ जाओ भाई अगला ग्रह चौथा ग्रह जिसका नाम है बच्चों मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जिसे जाना जाता है मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लाल ग्रह इसे कहा जाता है और लगभग ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है 25 डिग्री झुका हुआ है तो पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह ही ऐसा ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढा है जिस पर जीवन हो सकता है क्योंकि एक तो पृथ्वी के करीब है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है पृथ्वी से कम है लेकिन जीवन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो कंडीशन है वो पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर ही मानी जा रही है तो इसीलिए वैज्ञानिक अब कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन को आ, मंगल ग्रह पर जीवन की बात की जाए ठीक है संभव किया जाए तो तुमने सुना होगा एलोन मस्क है वो मंगल ग्रह पर अपने सैटेलाइट भेज रहा है जिससे वहाँ पे सामान और व्यक्तियों को पहुँचाया जाए तो अक्ष पे झुकाव है इसका 25 डिग्री और ये दो बहुत ही फेमस उपग्रह हैं बच्चों मंगल ग्रह के जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फोबोस और डिमोस ये किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं मंगल ग्रह के बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया फोमो, फोबोस और डिमोस दोनों ही मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह है बच्चों दोनों ही मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं ये क्या नाम है था? फोबोस और डिमोस उसके बाद बच्चों परिक्रमण कार है लगभग छः दिन छः दिन में सूरज का एक चक्कर ये काट लेता है ठीक है तो छः दिन का यहाँ पे एक साल होता है बच्चों उसके बाद है अक्ष पर ये अपने अक्ष पर पृथ्वी के लगभग पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24 घंटे उनतालीस मिनट और 35 सेकंड है 24 घंटे उनतालीस मिनट लगभग याद रखो 40 मिनट याद करो रफ फिगर में ठीक है तो लगभग पृथ्वी जितना ही घूमने में टाइम लगता है तो लेकिन मैं क्या कह रहा था पृथ्वी जैसी ही कंडीशन है लेकिन थोड़ा फर्क है टेम्परेचर का टेम्परेचर बहुत फ़र्क है पृथ्वी से ठीक है तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे तो वहाँ पे मेन जो इंसान बसाने के लिए मेन प्रॉब्लम है वहाँ का कम टेम्परेचर ठीक है बाकी चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं और टेम्परेचर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा तो इसके ऊपर ही काम चर, काम कर रहे हैं बच्चों वैज्ञानिक उसके बाद है बच्चों आपको पता है भारत ने मंगलयान भेजा था सबसे कम पैसे में सबसे पहले भारत ने ही मंगल सबसे कम पैसे में मंगलयान भारत ने भेजा था मंगल ग्रह पे ठीक है उसके बाद है बच्चों एम ओ एम फाइव नवम्बर एमओ एम जो है भाई पाँच नवंबर 2013 को भारत ने मंगलयान भेजा था 24 सितंबर दो तो को इसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था बच्चों ठीक है तो एम तो पांच नवंबर उन्नीस दो हजार तेईस को भारत ने मंगलयान भेजा था मंगल ग्रह पे और ये मंगल की कक्षा में इसने कब प्रवेश किया था चौबीस सितंबर दो हज़ार चौबीस को ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों अगला ग्रह है बच्चों जुपिटर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों तो मंगल ग्रह पे एक बात तो याद रखना आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल है ये बात सबको पता होगा ठीक है नहीं पता तो एक बार इसमें मंगलवारे में ऐड कर लेना इसका जो रेड कलर है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ आयरन ऑक्साइड की वजह से आयरन ऑक्साइड की अधिकता है इस ग्रह के ऊपर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से इसका कलर जो है बच्चों रेड है लाल ग्रह भी इसे कहा जाता है बच्चों लाल ग्रह कहा जाता है किसकी अधिकता के कारण आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ठीक है आगे चला भाई उसके बाद आ गया भाई जुपिटर ग्रह सबसे जो बड़ा आपका प्लेनेट है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे ठीक है सबसे बड़ा ग्रह है सभी को पता है पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है भाई ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है यानी इसमें से अगर पृथ्वी काटनी शुरू कर दूँ पृथ्वी जितने छोटे ग्रह काटना शुरू कर दूँ तो तेरह पृथ्वी काटी जा सकती है इसमें से बच्चों इसका व्यास देख लो आपका कितना है बच्चों ठीक है एक सौ उनतालीस आठ सौ बीस किलोमीटर है पर लेना एक कायदा सैकड़ा हजार दस हजार लाख एक लाख उनतालीस हजार आठ सौ बीस किलोमीटर का व्यास है परिक्रमण का लगभग बारह साल है बच्चों बारह साल में ये सूरज का एक चक्कर काटता है यानी पृथ्वी के जो बारह साल हैं ग्यारह पॉइंट नौ ईयर पूजाने का तो लगभग बारह साल में ये एक चक्कर काटेगा और अपने अक्ष पर घूमने में ये नौ पॉइंट आठ घंटे लगाता है यानी अक्ष पर ये काफी तेजी से घूमता है देखो बड़ा ग्रह है फिर भी तेजी से घूम रहा है नौ पॉइंट आठ लगभग दस घंटे में अपनी अक्ष के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर रहा है यानी दस घंटे का एक दिन और बारह साल का एक साल होगा यहाँ पे बच्चों ठीक है इसके प्राकृतिक उपग्रह जो लेटेस्ट मैंने पढ़े थे बानवे है सबसे ज्यादा इसी के हैं ठीक है तो जो पुरानी बुक है जिनके पास वो थोड़ा ये चीजें अपडेट कर लेना तो ये मैंने कुछ दिन पहले पढ़े थे बानवे है हो सकता है एक आधा और बढ़ गया तो बानवे इसके प्राकृतिक उपग्रह है और जो गैनी सबसे बड़ा इसका प्राकृतिक उपग्रह बात याद रखना भाई गैनी ये पूछा जाता है कौन से ग्रह का प्राकृतिक है जैसे डिबो, डिमोस और फिबोस जो हैं हैं बच्चों वो किसके है? मंगल के तो गेनीमिट इसका है और सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, है, है? है? है, है, है? है, है बच्चों उसके बाद अगला ग्रह है बच्चों सैटर्न सेटर्न सबसे सुंदर ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है अब जो, हम है जो ये हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों आगे के जो ग्रह ये गैसियस प्लेनेट हम पढ़ रहे हैं बच्चों सबसे चपटा ग्रह है भाई सबसे चपटा का मतलब वैसे तो लगभग सारे ग्रह गोल है लेकिन ये क्या है बच्चों ज़्यादा चपटा है यानी इसका जो पोल और इक्वेटर पर अगर हम रेडियस नापेंगे तो ज़्यादा फर्क आएगा ठीक है तो सबसे चपटा का मतलब है थोड़ा धंसा हुआ सा है ये तो जैसे पृथ्वी का हमने पढ़ा था कि अभी पोल के ऊपर तो क्या थी रेडियस क्या थी कम कम थी और इक्वेटर पर ज़्यादा थी तो इसमें पोल और रेडियस की इक्वेटर नापे तो ज़्यादा फर्क आएगा इसके ऊपर भाई ठीक है परिक्रमण काल कितना लगभग उनतीस पॉइंट पैंतालीस साल उनतीस पॉइंट पैंतालीस साल में ये सूरज का एक चक्कर काटेगा और अपने अक्ष पर दस घंटे चौंतीस मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगा बच्चों ठीक है घनत्व तो सबसे कम पानी के घनत्व तो से जीरो पॉइंट सात बच्चों है बच्चो, पानी से भी ये हल्का ग्रह है तो पानी में तैर सकता है ये ग्रह तो कई बार तुमने वैसे भी पढ़ा होगा जीके के अंदर कुछ के भाई कौन सा ग्रह ऐसा है जो पानी में तैर सकता है पानी में तैर सकता है पानी से कम है इसका घनत्व पानी में ये तैर सकता है बच्चों पानी में तैर सकता है ये ग्रह क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है आपने पढ़ा है कि आर के मिडिस का प्रिंसिपल तैरने का नियम क्या कहता है जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी के अंदर तैरेंगे तो ये ग्रह अगर मंगल ग्रह को अगर हम बड़े से एक समुद्र के अंदर डाल दें हालांकि इतना बड़ा समुद्र लाएंगे कहाँ से लेकिन फिर भी ये पानी में तैरेगा ठीक है तो पानी में ये तैरेगा तैरेगा बच्चों ये ग्रह तो घन तो इसका पानी से भी कम है बच्चों शनि ग्रह के चारों तरफ बारह छल्ले हैं तो छल्ले आपको पता है वलय जिसे हम कहते हैं रिंग्स कहते हैं तो कितनी रिंग्स हैं बच्चों बारह रिंग्स रिंग्स की संख्या अगर मैं बताऊँ तो बारह रिंग्स हैं किसके शनि ग्रह के चारों तरफ इसी इन रिंग की वजह से बच्चों ये ग्रह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है इसलिए सबसे सुंदर ग्रह भी इसे कहा जाता है टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और इस समय जो शनि ठीक है तो इस ग्रह के जितने उपग्रह उपग्रह की कितनी संख्या है बच्चों प्राकृतिक उपग्रह इसके बयासी खोज लिए गए हैं और टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है बच्चों किसका शनि का ठीक है बीच में एक बार सनी के ज़्यादा खोज लिए थे हमने बृहस्पति के कम रह गए थे ठीक है तो इस समय बयासी हमने खोज लिए हैं और टाइटन ये टाइटन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है बच्चों किसका सैटर्न सैटन का तो सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है बच्चों टाइटन टाइटन इसका नाम है भाई ठीक है उसके बाद अगला ग्रह है बच्चों यूरेनस इसमें कुछ बातें याद रखना बच्चों ये टाइटन वाला इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना और ये कितने वाले हैं ये बारह हैं ठीक है और पानी में कौन सा ग्रह तैरेगा तो सैटर्न सबसे सुंदर ग्रह भी क्या है बच्चों सैटर्न है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चलो बच्चों यूरेनस ठीक है इसकी खोज सत्रह में हरसेल ने की थी तो खोज भी कई बार पूछी गई है ई में इसके अंदर इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया खोज सत्रह में विलियम हरसेल ने की थी तो यूरेनस की खोज किसने की थी हरसेल ने ठीक है तो हर्ष मतलब खुशी जब इसने ग्रह की खोज की थी यूरेनस की ठीक है तो बहुत ही खुशी हो गई थी इसे हर्ष हो गया था तो हर याद रखना सत्रह में इसकी खोज की गई थी ठीक है अपने कक्ष पर अरुण सत्रह घंटे चौदह मिनट में चक्कर लगा लेता यानी यहाँ का एक दिन अपने कक्ष का मतलब होता है अपनी एक्सिस के लौंग अपनी एक्सिस के लोग सत्रह घंटे चौबीस मिनट में एक चक्कर ये पूरा कर लेगा बच्चों और परिक्रमण काल इसका लगभग चौरासी साल है बच्चों सूरज से जितनी दूर जाएंगे ना ग्रह तो आप देखोगे जो घेरा है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का वो बड़ा होता रहेगा और वो बड़ा होने की वजह से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में दिन ज्यादा लगेंगे बच्चों दिन क्या लगेंगे ज्यादा लगेंगे तो चौरासी साल में और ये ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है मैंने तुम्हें कहा था आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा ठीक है और हिंदी में क्या कहते हैं अरुण आगे से दूसरा पीछे से दूसरा तो ये भी बच्चों क्या करता है पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है बच्चों अरुण पर 22 साल का दिन और 22 साल की रात सॉरी बयालीस साल का दिन और बयालीस साल की रात होती है बच्चों ठीक है तो अपने सीधी सीधी बात है बच्चों चौरासी साल में ये पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा प्र, प्रि, कर रहा है और बयालीस साल यहाँ दिन दिन रहेगा जैसे अपने पोल्स के ऊपर होता है ना छह महीने का दिन छः महीने की रात तो यहाँ पे बयालीस साल तो केवल धूप निकलेगी मतलब दिन रहेगा और 42 साल यहाँ रात रहेगी और अपने अक्ष पर इसका झुकाव अट्ठानवे डिग्री है जो बहुत ज्यादा है बच्चों अपने अक्ष पर इसका झुकाव कितना है बच्चों अठानवे डिग्री अठानवे डिग्री अपने अक्ष पर घुमा झुका हुआ है देखो पृथ्वी तो थोड़ी सी झुकी हु और ऐसे घूम रही है ये ऐसे पूरा झुका हुआ है बच्चों ऐसे ठीक है ऐसे झुका हुआ है ऐसे घूमता है थोड़ा अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो देखो जो ये हमारी बॉल है इस वैसे पृथ्वी तो देखो ऐसे घूम रही है ऐसे और ये अपने अक्ष पर ऐसे झुका हुआ था और ऐसे घूमता है ये ठीक है तो अपने अक्ष पर इसका झुकाव कितना है बच्चों लगभग कितना अट्ठानवे डिग्री इसका अपने अक्ष पर झुकाव है उपग्रह इसके कितने हैं बच्चों सत्ताईस इसके उपग्रह हैं और जो मिरांडा है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है भाई ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना मिरांडा सबसे बड़ा उपग्रह है उसके बाद है बच्चों हरा ग्रह भी कहा जाता है मैंने कल भी तुम्हें बताया था हरा ग्रह इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें मिथेन की अधिकता है और मिथेन अधिकता मिथेन का कलर हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसिस के अंदर की मिथेन क्या होती है हरे रंग की गैस होती है मार्स गैस इसे कहा जाता है तो मिथेन की अधिकता है इस ग्रह के ऊपर इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है इंपॉर्टेंट है भाई हरा ग्रह किसे कहा जाता है तो हरा ग्रह कहा जाता है बच्चों अरुण कोर क्यों कहा जाता है मिथेन की अधिकता के कारण तो मिथेन की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है बच्चों ठीक है और अपने अक्ष पर कितना झुकाव है इसका बच्चों लगभग अट्ठानवे डिग्री इसका अपने अक्ष पर झुकाव है बच्चों लास्ट ग्रह है बच्चों नेपचून जिसे आप कहते हो वरुण जिसे आप कहते हो बच्चों वरुण उसके बाद है बच्चों इसकी खोज 1846 में जहान गाले ने की थी जहान गाले ठीक है तो वरुण पूरे जहान में घुमा था तो वरुण की खोज की थी जहान गाले ने 1800 ठीक है तो इन दोनों लास्ट के दो ग्रहों की खोज बाद में हुई थी तो इनका नाम रखना एक का तो हर्सेल ने की थी और एक ने का की है गाले ने ठीक है जहान गाले ने तो पहले तो बच्चों क्या हुआ पहले याद रखना जो पहला ग्रह है उसकी खोज हर्ष ने की थी तो हर्ष ने जब उसकी खोज की तो वो बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उसने कहा भाई कुछ गाना गाले गाले तो गाले वाला जो है वो दूसरा बाद वाले ग्रह की खोज की है वरुण वाले की याद रखना ठीक है हर्ष के बाद गाना गाया था उसने तो गाले हर्ष होके खुशी होके जब खोगी तो गाना गाले ठीक है ये याद रखना बाद में गाले बाद वाले का गाले है तो तुम गाले और जहान गाले और हर सेल को मिक्स मत करना ठीक है ये ध्यान रखना अपने अक्ष पर चौबीस घंटे में एक चक्कर पूरा करता एक दिन चौबीस चो, नहीं सॉरी सोलह घंटे का एक दिन होता है यहाँ पर उसके बाद है बच्चों परिक्रमा करने में लगभग सूरज के चारों तरफ एक साल इसे लग जाते हैं एक तो लगभग एक बिल्कुल सही कह रही है पूजा ठीक है एक साल इसे लग जाते हैं बच्चों उपग्रह की संख्या इसकी क्या है बच्चों चौदह उपग्रह हैं और ट्रीटन ट्रीटन सबसे बड़ा उपग्रह इसका है ट्रीटन ठीक है सबसे बड़े बड़े ही मैंने तुम्हें बताए क्योंकि ज़्यादा ठीक है जितना मैं बता रहा हूँ ये मोर देन इनफ है यानी जितना तुम और कहीं से पढ़ोगे उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना मैंने बता दिया इससे बाहर कुछ नहीं आने का अगर इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे तो ग्रहों के बारे में उसके बाद है बच्चों चार चीज़ें और हम पढ़ेंगे ठीक है चार चीज़ें और हम पढ़ेंगे उसके बाद भाई जो हमने जो अरुण ग्रह कहा ना उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया थोड़ा पीछे चलता हूँ मैं ठीक है तो तुम देखो मैंने क्या कहा था थोड़ा इसके ऊपर आओ देखो एक तो ये हरा ग्रह है दूसरा ये अपनी कक्षा पर देखो अठानवे डिग्री झुका हुआ तो लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इसको लेटा ग्रह लेटा हुआ ग्रह लेटा ग्रह भी इसे कहते हैं इसका कारण यह है अपनी कक्षा पर काफी ज्यादा ये झुका हुआ है ठीक है ये बात भी ध्यान रखना अब चलो आगे उसके बाद ये चार चीजें और हैं जिनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे ठीक है यहाँ तक की बात तो अब हम इन चारों के बारे में बात करेंगे शुद्र ग्रह उल्का उल्का पिंड और धूम के ये क्या होते हैं बच्चों ये जानना ठीक है तो ग्रह में एक बात और याद रखना पहले नौ ग्रह थे सभी को पता है ना एक और ग्रह हुआ करता था पहले प्लूटो तो प्लूटो के बारे में वैसे तुम्हें पता होगा प्लूटो प्लूटो क्या होता था बच्चों पहले ग्रह माना जाता था पहले नौ ग्रह माने जाते थे ठीक है दो और इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया दो प्रयाग अधिवेशन में ठीक है दो में हटा दिया गया था इसे और इसे अब बोना ग्रह माना जाता है डॉआार्फ प्लानट जिन्हें हम कहते हैं डॉआार्फ प्लानेट बोना ग्रह इसे कहा जाता है बोना ग्रह अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों हटाया गया इसके दो कारण थे बच्चों ग्रहों की श्रेणी से दो कारणों से इसे हटाया गया जब ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना एक बात समझना जब ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जैसे मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ जैसे मान लो ये सूरज है तो एक ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ये दूसरा ग्रह चक्कर लगा रहा है ये तो हर एक ग्रह की एक कक्षा है सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं भाई गोल पाथ नहीं होता अंडाकार रास्ते पर ही गति करते हैं तो जो प्लूटो था ना वो क्या कर रहा था जो हमारे पास इससे पहले वाला है ना वरुण वरुण की कक्षा को काट रहा था जैसे मान लो देखो इनकी कक्षाएं है अलग हैं एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो जैसे मान लो जैसे मैं सीधा लास्ट में ले जाता हूँ एक तो मान लो आठवां ग्रह है जिसका नाम है वरुण उसके बाद फिर नोवा ग्रह आया आपका क्या प्लूटो पहले प्लूटो एक ग्रह था तो ये क्या करता था वरुण की कक्षा को काट के चल रहा था वरुण की कक्षा को काट के चल रहा था तो ग्रहों की ये कंडीशन होती थी कि भाई एक दूसरे की कक्षा को ओवरलैप नहीं करना है तो पहला कारण ये था पहला कारण ये था इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाने का ये क्या कर रहा था बच्चों कक्षा को काट के चल रहा था कक्षा को काट रहा था इससे पहले वाले ग्रह की किसकी वरुण की वरुण की कक्षा को ये काट रहा था ठीक है तो इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया दूसरा एक और कारण था इसका आकार काफी छोटा था जो, जो ग्रह होते हैं ना ज़्यादातर चांद से बड़े होते हैं पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह चांद तो इसका आकार चांद से छोटा था चांद से छोटा तो जिनका आकार चांद से छोटा होता अपना जो पृथ्वी का चांद है इससे भी अगर छोटा आकार है किसी का तो उसे हम ग्रह ना मान के बोना ग्रह मानते हैं बोना ग्रह मानते हैं तो ये दो कारण था इसे ग्रह की श्रेणी में हटा दिया गया है एक तो बच्चों क्या कारण था एक तो इसका आकार चंद्रमा के आकार से छोटा था डायमेंशन इसकी मून से छोटी थी दूसरा ये क्या करती थी अपने ये क्या करता था जो इससे पहले वाला जो ग्रह था वरुण उसकी कक्षा को ओवरलैप करता था यानी उसको काट के चलता था और प्लानट की कंडीशन होती है कि वो एक दूसरे की कक्षा को ओवरलैप नहीं कर सकती ठीक है तो ये सारी बातें हैं हाँ पूजा ने एग्जैक्ट बता दिया चौबीस अगस्त दो ठीक है तो ये बात भी ध्यान रखना अब चलो इनके ऊपर आ जाओ भाई सबसे पहले हैं बच्चों हमारे पास शुद्र ग्रह क्या होते हैं भाई शुद्र ग्रह क्या होते हैं तो शुद्र ग्रह आप सभी को पता है कि शुद्ध ग्रह या अवांतर ग्रह भी इन्हें कहा जाता है पथरी क्या है पत्थर और धातु के टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं बच्चों ठीक है सूर्य की परिक्रमा करते हैं शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं जैसे यानी जैसे और ग्रह है ना वैसे ही लोगों की अलग अलग अवधारणाएं जैसे मान लो ये सूरज है ये सूरज है और मान लो ये मंगल ग्रह की ये मंगल ग्रह चक्कर लगा रहा है ठीक है और मंगल और एक बृहस्पति ग्रह भी मान लो मान लो ये बृहस्पति ग्रह चक्कर लगा रहा है तो इन दोनों के बीच में बच्चों बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं ऐसे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं और ये भी लगातार सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो ऐसे माना जाता है कि पहले यहाँ एक प्लेनेट था और ये प्लेनेट किसी से टकरा गया तो ये पत्थरों के टुकड़ों में बदल गया कई तो ऐसा मानते कई ऐसे मानते ये प्लेनेट यहाँ पे बनना था बना बन नहीं पाया पत्थरों के टुकड़े रह गए तो ये पत्थरों के टुकड़े लगातार सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लगाते हैं जो ये एरिया है जिसमें ये पाए जाते है, सुद्र, के टुकड़े, उसको हम कहते हैं बच्चों ठीक है तो, तो पत्थरों के टुकड़े मंगल और बृहस्पति के बीच में है ये और ये भी सूरज के चारों तरफ जैसे और ग्रह चक्कर लगाते ना ये भी सूरज के चारों तरफ लगातार चक्कर लगा रहे हैं बच्चों तो ऐसा ऐसा देखो या आपके पत्थरों के टुकड़े दिखाई देते हैं ठीक है उसके बाद समझना मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं शुद्र ग्रह लेकिन एक शुद्र ग्रह एक पत्थर का टुकड़ा ऐसा है जिसका नाम है हिडालगो हिडालगो भी एक शुद्र ग्रह है और ये एक ऐसा शुद्र ग्रह है जो मंगल और शनि की कक्षा ग्रहों के बीच में पाया जाता है भाई सारे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं लेकिन जो हिडालगो नामक जो शुद्र ग्रह है वो मंगल और शनि के बीच में पाया जाता है मंगल और शनि के बीच में ये पाया जाता है बच्चों क्या नाम है इसका हिडालगो तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा शुद्र ग्रह है जो मंगल और शनि ग्रह के बीच में पाया जाता है नाम है इसका हिडालगो हिडालगो नोट डाउन कर लेना सारे के सारे हिडालगो ठीक है ये पहला हिडालगो है बच्चों उसके बाद जो पहला शुद्र ग्रह जो खोजा गया था उसका नाम था बच्चों सैरिस ठीक है तो पहला शुद्र ग्रह का नाम क्या था बच्चों सैरिस था जिसे 1819 में पियाजी नामक व्यक्ति ने ग्यूसे पियाजी नामक व्यक्ति ने खोजा था बच्चों तो पहला शुद्र ग्रह बच्चों 1819 में खोजा गया था ठीक है और जो ग्रह होते हैं ना बच्चों जनरली वो चपटे होते हैं पत्थर की तरह तो ये जो शुद्र ग्रह है ना ये गोल है लगभग लगभग गोल है तो शुरू में जब इसे खोजा गया था तो शुरू में इसे एक प्लेनेट मान लिया गया था गलती से क्योंकि प्लेनेट ही ज्यादातर गोल होते हैं लेकिन ये पत्थर के टुकड़े जो शुद्र ग्रह हैं ये तो चपटे होते हैं इनका कोई इरेगुलर साइज होता है लेकिन जो ये हमारा पहला जो शुद्र ग्रह है सैरिस नाम है अठारह सौ में ये खोजा गया था ग्यूसे पियाजी ने तो शुरू में इसे प्लेनेट मान लिया गया था बच्चों ठीक है थ्रू में से क्या मान लिया था जूम करूँ क्या इसको? जूम करने के लिए तो थो ये थोड़ा स्लाइड शोर से मुझे हटाना पड़ेगा चलो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें तो जूम ये देखो भाई ठीक है तो मैं तुम्हें तो क्या बता रहा था कि जो ये हमारा शुद्र ग्रह है क्या नाम है इसका जो पहला शुद्र ग्रह सेरेस है 1819 में यह ग्यू पियाजी ने खोजा था तो शुरू में इसे बच्चों क्या मान लिया गया था प्लेनेट मान लिया गया था ठीक है और इसका आकार भी काफी बड़ा है चंद्रमा से चंद्रमा जो अपना चांद है ना तो चांद के आकार का एक चौथाई है बच्चों ये चांद के आकार का एक चौथाई आकार है इसका चांद से एक चौथा भाग है ये चांद का एक बट्टे भाग है तो आकार भी काफी बड़ा है इसे तो शुरू में इसे प्लेनेट मान लिया गया था ठीक है और ये पहला ग्रह है क्या नाम है इसका सो 1819 में खोजा गया था तो दो, दो बातें याद रखना हिडालगो एक ऐसा ग्रह है जो मंगल और शनि ग्रह के बीच में पाया जाता है हिडालगो और जो पहला ग्रह खोजा गया था अठारह में खोजा गया था और इनिशियली इसे क्या मान लिया गया था बच्चों क्या मान लिया गया था उसके बाद इनिशियली इसे प्लेनेट मान लिया गया था उसके बाद देखो आगे भाई ठीक है ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी उसके बाद समझना ये बात मैंने तुम्हें तो बता दी आपको यहाँ पे जो ये पीले रंग का एरिया दिखाई दे रहा है ये पत्थरों के टुकड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं बच्चों मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं बच्चों ठीक है तो ये मंगल ग्रह है और ये यहाँ पे बृहस्पति है इनके बीच में जो ये येलो येलो दिखाई दे रहा है ये पत्थरों के टुकड़े हैं जो चक्कर लगा रहे हैं सूरज के चारों तरफ और इस पूरे एरिया जहाँ पे ये पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं शुद्ध शुद्र पेटी शुद्र ग्रह पेटी जो भी तुम इसे कहते हैं एस्ट्रॉड बेल्ट इसे कहते हैं बच्चों ठीक है अगर तुम देखना चाहते हो तो ऐसे हैं भाई ये पत्थरों के टुकड़े जो लगातार क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं ठीक है तो लगातार ये चक्कर लगाते हैं तो ये बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े हैं और ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या करते हैं लगातार चक्कर लगाते रहते हैं तो शुद्र ग्रह मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे तो क्या क्या बातें मैंने तुम्हें काम की बताई एक तो मैंने कहा बच्चों सैरिस पहला शुद्र ग्रह था अठारह में खोजा गया था और इसका आकार गोल गोल शुद्र ग्रह है ये बाकी शुद्र ग्रह चपटे होते हैं और चंद्रमा से एक चौथाई इसका आकार है और एकमात्र हिडाल को एकमात्र ऐसा शुद्र ग्रह है जो मंगल और शनि ग्रहों के बीच में पाया जाता है बच्चों ठीक है आगे चलो भाई उसके बाद आगे उल्का और उल्का पिंड क्या होते हैं बच्चों ठीक है तो ये जो पत, जो शुद्र ग्रह हैं शुद्र ग्रह हैं तो कई बार ये शुद्र ग्रह आपस में टकरा जाते हैं और टकराने से अपने पथ से डाइवर्ट हो जाते हैं तो अपने मान लो ये आपस में टकराए और टकरा के बिखर गए तो अगर ये पृथ्वी की तरफ गए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा इन्हें खींच लेगा तो कई बार जो ये शुद्ध ग्रह हैं पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं कारण क्या है जैसे ये अपनी कक्षा के चारों तरफ घूम रहे हैं और दो ग्रह एक दूसरे से जो दो पत्थर के टुकड़े एक दूसरे से टकरा गए तो अपनी कक्षा से ये डाइवर्ट हो जाते हैं और पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फील्ड इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो जब ये पृथ्वी की तरफ आएंगे ये पत्थरों के टुकड़े तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो फ्रिक्शन से इनमें आग लग जाएगी कल हमने पढ़ा था जो मध्यमंडल है उल्का पिंड वाली घटना मध्यमंडल में होती है तो मध्यमंडल में थोड़ी बहुत एयर है तो वहाँ आते इनमें आग लग जाती है बच्चों तो इनको कहते हैं बच्चों फिर हम क्या कहते हैं इनको कहते हैं हम उल्का इनको क्या कहते हैं बच्चों हम उल्का मैटयर इन्हें कहते हैं इनको कहते हैं भाई उल्का उल्का मैटेर ठीक है तो मैटेर कहते हैं जो आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है जिसे तुम टूटता तारा भी कह देते हो टूटता तारा नहीं है वो वो आपका क्या है बच्चों शुद्र जो पत्थरों के टुकड़े थे जो सुद्र ग्रह थे वो कई बार पृथ्वी की तरफ आ गए और पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद उनमें आग लग गई तो जब तक ये ऊपर आपको चमक चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं इनको मेटीओर कहते हैं तो मैटी ज्यादातर पृथ्वी ऊपर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं लेकिन अगर कोई उल्का काफी बड़ी हो काफी बड़ी हो तो क्या होगा उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी तक भी पहुंच पहुंच जाता है अगर पृथ्वी पर पहुंच गया तब इसे कहते हैं उल्का पिंड तो एक ही चीज है अगर पृथ्वी पर नहीं पहुंचा तो उल्का कहेंगे और पृथ्वी पर पहुंच गया तो उल्का पिंड कहेंगे तो इन दोनों में ये फर्क है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचता अगर आपका शुद्र ग्रह वायुमंडल में ही नष्ट हो जाए पृथ्वी तक नहीं पहुंचे तब तो इसे कहेंगे केवल उल्का मेटियोर कहेंगे इसको ठीक है और अगर पृथ्वी तक पहुंच गया इसका कुछ हिस्सा तो जो हिस्सा पृथ्वी पर पहुंचेगा छोटा मोटा टुकड़ा उसे कहेंगे उल्का पिंड ठीक है मेटियोराइट्स उसे कहेंगे भाई तो ये इन दोनों में फर्क है भाई उल्का और उल्का पिंड में जब तक पृथ्वी तक पहुंचेगा तो उल्का पिंड हो जाएगा और पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका उल्का कहलाएगा ठीक है तो इसी को तुम क्या कहते हो बच्चों टूटता हुआ तारा भी कहते हो ऐसे तुम्हें यह दिखाई देता है ऐसे तुम्हें यह दिखाई देता है ठीक है तो उल्का पिंड बच्चों पहले जब पृथ्वी का वायुमंडल नहीं था ना तो बहुत सारे उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंचते थे पृथ्वी से टकराते थे तो ऐसा माना जाता है तो पृथ्वी पे जो सागर नदियां महासागर बने हैं ये उल्का पिंडों के टकराने से ही बने हैं तो नदी पहाड़ महासागर ये उल्का पिंडों से टकराने से बने पहले पृथ्वी का वायुमंडल विरल था तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में आके आग नहीं पकते थे नहीं पकड़ते थे क्योंकि वायुमंडल था ही नहीं तो ये पृथ्वी से टकराते थे पृथ्वी से टकराते थे तो जिस हिस्से में टकराते थे वहां गड्ढा बना देते थे वहां से आकर नदी बन जाती थी और आसपास वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता था वहां पहाड़ बन जाते थे ठीक है तो तुम ये देखो प्रशांत महासागर जो है वो पूरी पृथ्वी का एक बटे तीसरा हिस्से में है तो देखो कितना बड़ा उल्का पिंड टकराया होगा जब प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ होगा उसके बाद है बच्चों धूमकेतु तो धूमकेतु क्या होते हैं बच्चों पत्थर या बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं और ये क्या करते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं जो जब ये सूरज के काफ़ी करीब पहुंचते हैं तो क्या होते हैं ये बच्चों वाष्प में बदल जाते हैं जिन्हें हम धूम केतु कहते हैं तो पत्थर धूल और बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे, -छोटे खंड खंड होते हैं जो वलयाकार पथ पर सूरज की परिक्रमा करते हैं वलयाकार का मतलब वही है बच्चों इलिप्टिकल अंडाकार पथ पर ये सूरज की परिक्रमा करते हैं बच्चों ठीक है तो इन्हीं को तुम क्या कहते हो भाई पुच्छल तारा भी कहते हो इन्हें इन्हें पुच्छल तारा भी कहते हो क्योंकि इनके पीछे आपको गैसों की जो एक पूछ दिखाई देती है तो इन्हीं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है बच्चों तो ऐसा ऐसा ये दिखाई देता है उसके बाद है बच्चों धूमकेतु के दिखने का समय एक निश्चित होता है एक धूमकेतु है जिसके बारे में काफी पूछा जाता है एग्जाम में याद रखना हेली नामक एक धूमकेतु है बच्चों हेली नामक धूमकेतु हर छिहत्तर साल बाद दिखाई देता है यह उन्नीस में लास्ट बार दिखाया दिखाई गया था और दो में अगली बार यह दिखाई देगा दो में दिखाई देगा तो तुम में से कई लोग इसे देख पाएंगे कई तो तब तक लुटक जाएंगे मेरे जैसे बंदे तो तब तक मर जाएंगे ठीक है तो कॉमेट्स धूमकेतु तो मैंने क्या कहा भाई धूमकेतु क्या होते हैं या तो गैसों के या पत्थर के या बर्फ़ के टुकड़े होते हैं और ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं तो जब ये सूरज के करीब से गुजरते हैं तो गर्मी की वजह से ये भाप में बदल जाते हैं और भाप में बदलते हैं तो इनमें से जो गैस निकलती है उसकी वजह से इनकी पूछ दिखाई देती है तो इसीलिए इन्हें कहते हैं बच्चों धूम ठीक है तो धूम केतु और शुद्र ग्रह दोनों धूमकेतु और बच्चों जो उल्का पिंड है इनमें फर्क है धूमकेतु उल्का और उल्का पिंड इनमें फर्क तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए ठीक है हेली नामक धूमकेतु कितने सालों बाद दिखाई देता छिहत्तर साल बाद ये पूछा जाता है कितने सालों बाद दिखाई देता है छिहत्तर साल और लास्ट ये दिखाई दिया था उन्नीस में और अब दिखाई देगा बच्चों आपको दो में जाके ये दिखाई देगा ठीक है उसके बाद एक बात और समझना जो धूम केतु होती ना इनकी जो पूछ होती है ना हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में होती है देखो क्या हुआ ठीक है तो इनका जो एक तो एक तो इनका पाथ देखो सूरज के चारों तरफ ये अंडाकार पाथ पर गति कर रहे हैं तो जब ये यहां होंगे ना इस पोजीशन पे होंगे तो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है तब आपको धूमकेतु नहीं दिखाई देगा चक्कर लगाते लगाते जब ये सूरज के करीब पहुंचेंगे तो ये जो क्या होंगे भाई बर्फ है या पत्थर है तो ये गर्मी से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अब यह एक बात ध्यान रखना ये धूमकेतु है जब ये सूरज से पीछे होते हैं तो इनकी पूछ पीछे की तरफ होती है देखो यहां पूछ दिखाई दे रही है पीछे की तरफ तो सूरज से हमेशा अपोजिट रहेगी इधर पीछे की तरफ पूछा लेकिन जब ये सूरज से आगे निकलेंगे यहाँ निकलेंगे यहाँ यहाँ निकलेंगे तो तब इनकी पूछ आगे हो जाएगी जब ये सूरज से आगे होते हैं तब इनकी पूछ इनसे आगे होती है भाई क्योंकि गैस है बच्चों ये सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है इसका कारण है सोलर विंड कल मैंने तुम्हें सोलर विंड भी बताया था जिसकी वजह से अरोरा दिखाई देता है तो सोलर विंड की वजह से इनकी पूछ हमेशा सूरज से अपोजिट रहेगी जब सोलर के इधर से चक्कर काट के आ रहे हैं तो सूरज के पीछे हैं तो पूछ पीछे है जब सूरज से आगे निकलेगी तो पूछ भी इनकी आगे की तरफ होगी बच्चों तो जब ये यह यहां सूरज को क्रॉस करेंगे तो इनकी पूछ आगे की तरफ हो जाएगी और इसका कारण क्या है बच्चों सोलर विंड तो याद रखना इनकी जो पूछ होती है धूमकेतु की हमेशा सूरज से विपरीत दिशा में होती है सूरज से विपरीत दिशा में इनकी पूछ होगी भाई सूरज से विपरीत दिशा में इनकी पूछ पूछ रहती है ठीक है विपरीत दिशा में रहेगी इनकी पूछ ये बात भी ध्यान रखना ठीक है बच्चों तो ये थे आपके धूम के तो और आज ही जो ये क्लास थी हमारी पूरी की पूरी जो हमारी थी सोलर सिस्टम के ऊपर पूरी की पूरी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बच्चों तो किसी की कोई भी समस्या हो तो जल्दी से बताओ ठीक है जितना मैंने पढ़ाया है मोर देन इनफ ठीक है इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कल शायद फ़ूड वाला टॉपिक कराऊंगा मैं कुछ नए टॉपिक जो हैं उनको पुराने और नए मिला मिला के करेंगे तो शायद या तो फूड वाला टॉपिक कराऊंगा ठीक है और फिर एक इकोसिस्टम एक वाला है बायोडाइवर्सिटी वाला है फिर सेल्टर है फिर रिलेशनशिप है तो फूड वाला टॉपिक शायद कल कराऊंगा ठीक है हाँ एक दिन जितने टॉपिक हो जाएंगे ना एक दिन क्वेश्चन की क्लास रखेंगे बच्चों ठीक है तो शनिवार को रखूँगा मैं क्वेश्चन की क्लास एक बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टॉपिक पूरे हो जाए फिर क्वेश्चन पे ही लेंगे तो कोशिश करूँगा शनिवार को क्वेश्चन की क्लास क्लास रखूँ मैं ठीक है जितना हो गया है उतने में से क्वेश्चन को कवर करेंगे शनिवार को ठीक है तो कल या तो फूड वाली क्लास लूँगा मैं या इको वाली कराऊँगा और एक बायोडाइवर्सिटी भी साथ में उसके कवर करने की कोशिश करेंगे चलो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में आज की क्लास इतनी ही रहेगी तो पढ़ते रहो जय हिंद जय भारत